नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 सितंबर दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ग्रेजुएशन पास छात्राओं को 50,000 रुपए देने के लिए शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को दिए ये निर्देश। प्रदेश स्तर पर इस व्यवस्था से अब एक्सपायरी दवाओं का पता लगाना होगा आसान। राज्य सरकार ने अंचलाधिकारियों को दिया अल्टीमेटम, जमीन विवाद का हो त्वरित समाधान। सहारा समूह के निवेशकों के अटके पैसे जल्द मिलने की उम्मीद, एससी ने सुनाया अहम फैसला। जाने गूगल मैप्स में क्या होता है ये लाल सिग्नल। 19 साल के लड़के ने सचिन तेंदुलकर का तोड़ा रिकॉर्ड। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसएससी ने 10वीं पास वालों के लिए कांस्टेबल के पदों पर निकाली भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने जीडी कांस्टेबल को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के तहत 39,481 पदों पर भर्ती होगी। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जनरल उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपए देने होंगे। वहीं एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए आवेदन निःशुल्क है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे कुमारी राधा के बारे में। ये एक प्रसिद्ध हिंदी और मगही कवि थी। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1936 में बिहार के सुपौल में हुआ था। इन्हें छात्र जीवन से ही साहित्य, कला, सामाजिक और राजनीतिक कामों में रुचि थी। ये श्रम रोजगार विभाग से विभागीय पत्रिका श्रमिक की सहायक संपादक भी रह चुकी हैं। इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में सरयू कछारों की हिरनी, गुलमोहर का प्रश्न, अधरतिया की बांसुरी और शकुंतला शामिल है। इनमें कुछ हिंदी कविता संग्रह तो कुछ मगही कविता संग्रह भी शामिल है। ग्रेजुएशन पास छात्राओं को 50,000 रुपए देने के लिए शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को दिए ये निर्देश। बिहार में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस बार जिन छात्राओं ने स्नातक उत्तीर्ण किया है उनके ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन किया जा चुका है। जल्द ही उनके खाते में प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी विश्वविद्यालयों को इस संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों से 71,354 छात्राओं ने स्नातक परीक्षा में सफलता पाई है। इसमें 54,864 छात्राओं के आवेदन का सत्यापन पूरा हो चुका है। वहीं बची छात्राओं के आवेदन का सत्यापन अभी जारी है। जिन छात्राओं के आवेदन पोर्टल पर अपलोड नहीं है उन छात्राओं को लेकर विश्वविद्यालयों को शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि आवेदनों को सप्ताह भर में पोर्टल पर अपलोड करें। बता दें कि छात्राओं को ये प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाती है। भूमि सर्वेक्षण मामले में भूमि सुधार मंत्री ने लोगों को संशय न रखने की अपील। बिहार में शुरू हुए भूमि सर्वेक्षण को लेकर लोगों में संशय और डर पैदा हो गया है कि कहीं उनकी पुश्तैनी जमीन उनसे छीन ना ली जाए। इस पर बिहार राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि सर्वेक्षण का उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं है बल्कि उन्हें राहत देना है। मंत्री ने कहा है कि जो लोग वर्तमान में अपनी जमीन पर काबिज हैं और उनका ऑनलाइन रसीद कट रहा है उन्हें किसी भी कागजात की जरूरत नहीं होगी। सर्वे के दौरान जमीन के सीमांकन और रिकॉर्ड के इसमें नाम दर्ज करने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं। 72% मामलों में कोई विवाद नहीं है और जिनकी जमीन विवादित है उन्हें पहले चरण में पेंडिंग रखा जाएगा। मंत्री ने आश्वस्त किया है कि सर्वे लोगों की सुविधा के लिए है ना कि उनकी संपत्ति छीनने के लिए। प्रदेश स्तर पर इस व्यवस्था से अब एक्सपायरी दवाओं का पता लगाना होगा आसान। बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त में दी जाने वाली 612 तरह की दवाओं पर अब बार कोड होगा। इस कदम का उद्देश्य दवाओं की एक्सपायरी तिथि को आसानी से ट्रैक करना है। स्वास्थ्य विभाग ने इस पर निर्णय लिया है कि इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी बिहार स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत संरचना निगम यानी BMSICL को सौंप दी गई है। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और भर्ती मरीजों को 612 प्रकार की दवाएं मुफ्त मिलती हैं। इन दवाओं की खरीद की जिम्मेदारी 2 भागों में बंटी हुई है। इसमें लगभग 75% दवाओं की खरीद BMSICL करता है जबकि 20 से 25% दवाएँ जिला स्तर पर खरीदी जाती हैं। कई बार अधिक मात्रा में दवाओं की आपूर्ति के कारण एक्सपायरी का
खतरा होता है। इस समस्या से निपटने के लिए दवाओं पर बार कोड प्रिंट किए जाएंगे, जिसमें मरीज भी स्कैन करके दवा की एक्सपायरी तिथि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 7,279 पदों पर होने वाले शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% तक मिलेगा आरक्षण। बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें से 5,534 पद कक्षा 1 से 5 के लिए और 1,745 पद कक्षा 6 से 8 के लिए होंगे। शिक्षा विभाग ने रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनके बाद बिहार लोक सेवा आयोग को आवश्यक अधियाचना भेजी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने जिला शिक्षा अधिकारियों को जल्द से जल्द रोस्टर क्लियरेंस पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण रहेगा। विशेष शिक्षक विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए नियुक्त किए जाएंगे और इसमें विभिन्न दिव्यांगताओं के लिए प्रशिक्षित शिक्षक शामिल होंगे। वर्तमान में अधिकांश स्कूलों में विशेष शिक्षक के पद रिक्त हैं। जाने आधार कार्ड में किन चीजों को मुफ्त में करवा सकते हैं अपडेट। आधार कार्ड में कई बार जानकारी अपडेट करनी पड़ती है और उसमें कुछ चीजें मुफ्त में करवाई जा सकती हैं। भारत में लगभग 90% आबादी के पास आधार कार्ड है और उसमें दर्ज जानकारी को ठीक करना जरूरी होता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि आधार कार्ड में अपडेट करवाने के लिए आमतौर पर शुल्क लिया जाता है, लेकिन अगर आप 14 सितंबर तक अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट करते हैं तो ये प्रक्रिया मुफ्त होगी। इसके बाद चाहे आप ऑनलाइन या आधार केंद्र जाकर अपडेट करवाएं, आपको 50 रुपए की फीस चुकानी होगी। इस तरह अपने आधार कार्ड की जानकारी को समय पर अपडेट करवा लें। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे रोहतास के बारे में। ये बिहार का एक जिला है जिसका मुख्यालय सासाराम है। इस जिले में कई ऐतिहासिक स्थल और प्रकृति की खूबसूरती को प्रदर्शित करती एक से एक पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। यदि आप कभी इस जिले में आते हैं तो रोहतासगढ़ का किला, कैमूर की पहाड़ियां, मांझार कुंड, धुआं कुंड, इंद्रपुरी बैराज और माँ तारा चंडी मंदिर देखने को जा सकते हैं। यदि आप कभी रोहतास आते हैं तो इन पर्यटन स्थलों पर जरूर जाएं। राज्य सरकार ने अंचलाधिकारियों को दिया अल्टीमेटम, जमीन विवाद का हो त्वरित समाधान। राज्य सरकार ने अंचलाधिकारियों को जमीन विवादों के त्वरित समाधान के लिए अल्टीमेटम दिया है। यदि विवादों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो लापरवाही को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे रैयतों के साथ मर्यादित व्यवहार करें और विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने बैठक में जमीन विवादों की स्थिति और संबंधित अभियानों की प्रगति की समीक्षा की और थाने और अंचल अधिकारियों की संयुक्त बैठकों को प्रभावी बनाने का सुझाव दिया। बैठक में अंचलाधिकारियों की रैंकिंग भी जारी की गई है और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। जाने गूगल मैप्स में क्या होता है ये लाल सिग्नल। इन दिनों गूगल मैप्स का उपयोग काफी बढ़ गया है, जिसमें बाइकर्स, ड्राइवर्स, पैदल यात्री और सार्वजनिक परिवहन के यात्री इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि अनजान रास्ते में इन्हें दिशा निर्देश मिल सके। गूगल मैप्स न केवल रास्ता दिखाता है बल्कि ट्रैफिक की स्थिति भी बताता है। अक्सर आपने गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते समय इसमें एक लाल रंग का सिग्नल देखा होगा। ट्रैफिक वाले हिस्सों को लाल रंग से दर्शाया जाता है। गूगल मैप्स ट्रैफिक की जानकारी यूजर्स के फोन की लोकेशन ट्रैकिंग और डेटा विश्लेषण के आधार पर प्राप्त करता है। जब सड़क पर जाम होता है तो गाड़ियों की धीमी गति और स्मार्टफोन की संख्या का डेटा एनालिसिस किया जाता है। गूगल ट्रैफिक की हिस्ट्री भी दिखाता है, जो ये दर्शाता है कि चुने हुए रूट पर सामान्यतः कितनी ट्रैफिक रहती है। देश में नए कानून के तहत सजा दिलाने वाले सारण पुलिस हुए सम्मानित। सारण जिले में हाल ही में हुए मर्डर मामले में बिहार पुलिस ने नए कानून के तहत अभियुक्तों को रिकॉर्ड समय में सजा दिलवाई है। 17 जुलाई को रसूलपुर थाना में दर्ज इस केस में बीएनएस धारा 103(1), 109(1), 329, 435 के तहत मामला दर्ज किया गया। अभियुक्तों को नए कानून के तहत आजीवन कारावास और 25,000 रुपए का अर्थदंड सुनाया गया है। देश में नए कानून के तहत पहली बार सजा सुनाने के बाद डीजीपी आलोक राज ने शुक्रवार को सारण एसपी डॉक्टर कुमार आशीष और अन्य पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया है। इन लोगों ने 50 दिनों में त्वरित अनुसंधान और ट्रायल के जरिए अभियुक्तों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सम्मानित किए गए लोगों में लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकुमार और फॉरेंसिक विशेषज्ञ रत्न राभा शामिल।
बिहार के खिलाड़ी भी नेशनल टीम में खेलेंगे हॉकी। बिहार सरकार प्रदेश के युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी प्रोत्साहित कर रही है। युवाओं को खेल में मौका देने के लिए अभी हाल में ही खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी किया गया था। अब इसी बीच बिहार में खेल सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्री जेस भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार स्पोर्ट्स का हब बनने जा रहा है, हॉकी का स्ट्रो टर्फ मैदान बन गया है, बिहार के खिलाड़ियों को बेसिक सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिससे यहाँ हॉकी की दुनिया में तेजी से बदलाव होगा और आने वाले 5 से 6 सालों में बिहार के हॉकी खिलाड़ी भी नेशनल टीम में खेलने लगेंगे। CBSE 2025 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुई शुरू। CBSE ने 2025 के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2024 है। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ ही पंजीकरण किया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए parikshasangam.cbse.gov.in पर जाना होगा। स्कूलों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग और उम्मीदवारों की सूची LOC जमा करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सही जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि गलत विवरण से परेशानी हो सकती है। CBSE बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होंगी और डेट सीट नवंबर या दिसंबर 2024 में जारी होने की संभावना है। अधिक जानकारी के लिए CBSE पोर्टल और अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। पूर्णिया में नया IG शिवदीप लांडे ने ग्रहण किया पदभार। पूर्णिया में नया IG शिवदीप लांडे ने बीते दिन अपने पदभार को ग्रहण किया। निवर्तमान DIG विकास कुमार ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपते हुए गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। IG शिवदीप लांडे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी प्राथमिकताएं सभी जिलों के SP के साथ समन्वय बनाना, अपराध पर नियंत्रण रखना और इंटर स्टेट अपराध में कोऑर्डिनेशन करना होगा। उन्होंने बताया कि अपराध और अपराधियों के तरीके बदल गए हैं और इस पर अध्ययन की आवश्यकता है। शिवदीप लांडे का ट्रांसफर मुजफ्फरपुर क्षेत्र के IG पद से पूर्णिया में किया गया है, जबकि छपरा के DIG के रूप में 2010 बैच के IPS नीलेश कुमार की तैनाती की गई है। बिहार में आज रोहतास और भभुआ में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी। बिहार में मॉनसून में अच्छी बारिश नहीं हुई, लेकिन बीते कुछ दिनों से राजधानी पटना समेत कई जगहों पर मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं रोहतास और भभुआ जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री के बीच देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की उम्मीद लगाई गई है। सहारा समूह के निवेशकों के अटके पैसे जल्द मिलने की उम्मीद, SC ने सुनाया अहम फैसला। सहारा समूह के निवेशकों के अटके पैसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत के फैसले के बाद निवेशकों के पैसे मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया परिवार को दो कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्प और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प को निर्देश दिया है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक निर्देश में कहा गया है कि वे अगले 15 दिनों के भीतर 1,000 करोड़ रुपए जमा करवाएं। दोनों कंपनियों को ये रकम सेबी सहारा फंड में जमा करने के लिए कहा गया है। ऐसे में उम्मीद है कि निवेशकों के अटके पैसे उन्हें जल्द ही वापस मिल जाएं। CBSE ने 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए जारी किया सैंपल प्रश्न पत्र। 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए CBSE ने सत्र 2024-25 के लिए सभी विषयों के सैंपल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। इस सैंपल प्रश्न पत्र से बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चे परीक्षा के पैटर्न को समझ सकते हैं। ये सैंपल पेपर आप CBSE की वेबसाइट 10वीं के लिए cbseacademic.nic.in/sqp/class10th या 12वीं के लिए cbseacademic.nic.in/sqp/class12th पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस सैंपल पेपर में बच्चों को मार्किंग स्कीम भी समझाया गया है। राजद पर बरसे CM नीतीश, JP नड्डा को लेकर कही ये बात। बीते दिन 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बिहार दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने CM नीतीश से मुलाकात की, फिर दोनों ने ही IGIMS में आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इसके बाद CM नीतीश ने लोगों को संबोधित करते हुए राजद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि BJP से हमारा रिश्ता 1995 से है। पहले वाले क्या करते थे, 2 बार इधर उधर हुए तो गलती हो गई, अब कभी भी इधर उधर नहीं जाएंगे। राजद को लेकर उन्होंने कहा कि उन लोगों ने कभी कोई काम नहीं किया है। इस दौरान CM नीतीश ने JP नड्डा का बिहार से पुराना रिश्ता बताया और आग्रह करते हुए बिहार आते रहने की बात कही।
19 साल के इस लड़के ने सचिन तेंदुलकर का तोड़ा रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान के भाई मुसीर खान ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल दलीप ट्रॉफी में इन्होंने अपने पहले ही मैच में जबरदस्त बैटिंग की और शतक जमा दिया। मुसीर खान ने यह कारनामा केवल 19 साल की उम्र में कर दिखाया है। इन्होंने इंडिया ए के खिलाफ 181 रन की बड़ी शतकीय पारी खेली। इस पारी की वजह से इंडिया बी ने पहली पारी में 321 रन बोर्ड पर लगाए। पहले ही दिन मैच में इन्होंने शतक जड़ दिए। वहीं दूसरे दिन के शतक जड़ने में चूक गए। इन्होंने 373 गेंदों पर 16 चौके और 5 छक्के लगाकर 181 रन बनाए, जिससे दलीप ट्रॉफी में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूट गया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र शुरू हुआ था। आज के दिन वर्ष 1965 में भारतीय सीमा पर चीन ने सेना के तैनाती की घोषणा की थी। आज के दिन वर्ष 2005 में तेल के बदले अनाज कार्यक्रम की जाँच रिपोर्ट पेश की गई थी। आज के दिन वर्ष 2008 में भारत अमेरिका परमाणु करार के तहत NSG के 45 सदस्यों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से परमाणु व्यापार की छूट दी थी। आज के दिन वर्ष 2009 में भारत के पंकज आडवाणी ने विश्व पेशेवर ब्लेडियर्स का खिताब अपने नाम किया था। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दिखा दबाव। बाजार में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन दबाव देखने को मिला। इस दौरान सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा फिसलकर बंद हुए हैं। बीते दिन के कारोबार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। वहीं BSE के सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। इस दौरान PSE तेल गैस एनर्जी इंडेक्स सबसे ज्यादा फिसलते हुए दिखाई दिए। वहीं बैंकिंग ऑटो FMCG शेयरों में बिकवाली रही और IT रियलिटी मेटल इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। YouTube चैनल के थंबनेल में बोर्ड परीक्षा स्थगित करने को लेकर किया जा रहा भ्रामक दावा। एक YouTube चैनल मीडिया तक के वीडियो थंबनेल में यह दावा किया जा रहा है कि देश भर में लॉकडाउन लग जाने के कारण बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए पूरी तरह से फर्जी बताया है। इसलिए इस तरह की खबरों को शेयर करने से बचें। साथ ही शेयर करने से पहले इसकी सत्यता की जाँच भी जरूर कर लें। भारत की अर्थव्यवस्था पर अदानी समूह ने की बड़ी भविष्यवाणी। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अदानी समूह के चेयरमैन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जय हिंद कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत इस दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। उन्होंने कहा कि अदानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल की संभावनाओं को देखते हुए ये भविष्यवाणी की है। आगे उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति और सरकारी पहलों ने देश को एक उल्लेखनीय प्रगति की तरफ से जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार पहुंचते ही JP नड्डा ने CM नीतीश की कर दी जमकर तारीफ। बीते दिन BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा बिहार दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने CM नीतीश की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश ने बिहार की सूरत बदल दी है। हेल्थ सेक्टर में उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। इस दौरान उन्होंने IGIMS के हॉस्पिटल में आई हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता काम करने वालों को अपना आशीर्वाद और काम न करने वालों को आराम दे। आने वाले समय में पटना और बिहार एक मेडिकल हब के रूप में विकसित होगा। दरभंगा एम्स भी जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने 1 अक्टूबर से सेविंग अकाउंट्स में नियमों में करेगी ये बदलाव। पंजाब नेशनल बैंक ने 1 अक्टूबर 2024 से सेविंग अकाउंट के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है, जिससे ग्राहकों को अधिक शुल्क चुकाना पड़ेगा। नए नियमों के तहत सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपये, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये और शहरी व महानगरों में 2000 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखना होगा। यदि मिनिमम बैलेंस से कम रहता है तो ग्राहक को हर महीने शुल्क देना होगा, जो कि जगह के आधार पर 50 से 250 रुपये तक हो सकता है। डिमांड ड्राफ्ट पर शुल्क 0.40% होगा और चेक वापस होने पर 300 रुपये प्रति चेक की दर से शुल्क लगेगा। लॉकर रेट भी बढ़ा दिया गया है, जो कि छोटे से बड़े लॉकर के आधार पर 1000 से 5500 रुपये तक रहेगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे, जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र,
ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। हाल ही में विश्व कौशल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है वियतनाम। इसका सही उत्तर है फ्रांस। हाल ही में मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है वियतनाम। इसका सही उत्तर है भारत। बिहार समुद्र तट से कितना दूर है? ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 170 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 200 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 300 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है 200 किलोमीटर। बिहार में पहला रेल मार्ग किन दो स्थानों के बीच था? ऑप्शन ए दिल्ली से मुगलसराय, ऑप्शन बी है दिल्ली से पटना, ऑप्शन सी है मुगलसराय से कोलकाता, ऑप्शन डी है पटना से रांची। इसका सही उत्तर है मुगलसराय से कोलकाता। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है अब्दुल मनन, रंजीत मिश्रा, परशुराम सिंह, राकेश मिश्रा, मोतीलाल कुमार, धर्मेंद्र, भरत प्रसाद, कल्याणी चौधरी, शुभानंद ठाकुर, अरविंद कुमार, डब्लू यादव, गुनर शर्मा, रोशन कुमार, नंद कुमार सिंह, साकेत, शक्ति कुमार, संजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में आपका पसंदीदा जिला कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।